आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते सभी त्योहारों का रंग फीका पड़ा था। अब की बार नजारा कुछ अलग है। मुंबई में गणेश उत्सव का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है। अब की बार फिर से बाजारों में वही रौनक देखने को मिली है। बड़ी संख्या में गणेश भक्त गणेश उत्सव की तैयारी में नजर आ रहे हैं। इस बार व्यापारियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बाजार तरह तरह की वस्तुओं से सराबोर रहा। हमने गणेश उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। देखें गणेश उत्सव की ये विशेष रिपोर्ट। जी ये बताइए, ये अभी 3 साल कोरोना से गुजरे जी, काफ़ी कठिन गुजरा, कोई त्यौहार ढंग से मनाया नहीं गया। इस बार कैसा लग रहा है, पब्लिक मार्केट में काफ़ी बड़ी संख्या में आ रही है, कैसा लग रहा है? इस बार लग रहा है, मतलब पब्लिक में काफ़ी उत्साह लग रहा है, जो 2 साल से बंदिश की वजह से नहीं हुआ था गणपति फेस्टिवल, जो बराबर जो अब इस साल लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन से पहले पब्लिक गणपति का फेस्टिवल मनाती थी, इस बार भी वैसे लग रहा है। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है पब्लिक का, काफ़ी अच्छे हो रही है सेलिंग भी जी, बहुत अच्छा है। अगर बिक्री की बात करूं तो क्या मतलब पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार नहीं, काफ़ी है, काफ़ी अच्छा मार्केट है, इंक्रीज़ हुआ है। 2 साल में तो कुछ लगा नहीं था गणपति का ऐसा कोई सीज़न, लेकिन इस साल लग रहा है काफ़ी अच्छे से लग रहा है, क्यों पब्लिक ली है और अभी भी सेलिंग चल रही है जिस तरह से। सर आगे की क्या उम्मीदें हैं आपको, जिस तरीके से इस बार ये त्यौहार तो अच्छा बना, आगे और भी त्यौहार आने वाले हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, आई होप सो कि आगे भी अच्छे ही हो गए सब, बाकी जो दशहरा दिवाली जो आएगा त्यौहार वो भी काफ़ी अच्छा जाएगा, जो 2 साल से नहीं हुआ इस साल अच्छा जाएगा, यही मुझे। ओके सर, जो गैप था ना अभी उससे अच्छा चल रहा है, फिर बिजनेस जो अच्छा चल रहा है। आप क्या चीज़ें बेचते हैं? हम लोग बोलेगा तो लाइट का तोरण है, फोकस है, फिर ऐसा कटन लाइट है, फिर झूमर जैसा ऐसा सब डेकोरेशन, गणपति में जो लगने वाला डेकोरेशन है ना वो चीज़ बेचते हैं जी। हाँ। सर अगर मैं बात करूँ जैसे 2 साल जो गुजरे, हाँ, उसके बाद में इस साल ग्राहक किस तरीके से, आपको क्या लग रहा है कि ग्राहक नहीं, ग्राहक अच्छा संख्या में, अच्छा ग्राहक को इंटरेस्ट भी है, मतलब 2 साल गैप हुआ ना तो आप कसर निकाल रहे हो, मतलब खरीदी कर रहा है अच्छा, सब रिस्पॉन्स अच्छा है। अभी क्या मालूम, अभी ये त्यौहार तो ठीक चल रहा है, अभी आगे देखेगा तो बता दूंगा, अब आ जाना दिवाली में। विजय जी, आप कितने साल से यहाँ धंधा लगा रहे हैं? ये हम लोग हमेशा लगा जाए, यहाँ से सालों भर से धंधा लगा जाए। विजय जी, 2 साल से कोरोना काल था, कोई त्यौहार नहीं मनाया गया, बराबर धूमधाम से मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? इस साल बहुत अच्छा है, 2 साल से कोरोना से तभी धंधा नहीं था, इस साल बहुत अच्छा है धंधा, अच्छा है बहुत, पब्लिक कस्टमर कस्टमर आ रहे सब, बाहर के सब आ रहे। 2 लाख में धंधा। विजय जी, आने वाला समय और भी त्यौहारों का है, दीपावली है, दीपावली नवरात्रि है, सब अच्छा देवर धूमधाम होगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है धूमधाम? अच्छा, जब जब ये बोला शिंदे बोला है ना, सब सब धूमधाम त्यौहार मनाओ, गणपति मनाओ, नवरात्रि मनाओ, दीपावली मनाओ, सब मनाओ धूमधाम। कुछ कारोबार की अगर मैं बात करूं, हाँ, बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, वो भी है, बढ़ोतरी हुई, अच्छे है, अच्छा गणपति में अच्छे है सब। आप क्या बेचते हैं? ये सब नवरात्रि गणपति के सब बेच रहे हैं, सब डेकोरेशन बैकग्राउंड सब कपड़े बेच रहे हैं, सब गणपति के सब डेकोरेशन है। सर ये बताइए कि 2 साल से जो है पूरी तरीके से बंदी थी त्यौहारों पर जी, इस बार उसमें कहीं ना कहीं छूट दी गई है, कैसा लग रहा है ग्राहक? नहीं, इस बार थोड़ा अच्छा लग रहा है, 2 साल से बैठे थे, काम नहीं था और कारोबार भी बंद ही चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा चालू हुआ है तो अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा, और धंधा पानी भी अभी ठीक ठाक हो रहा है जी। ग्राहक किस तरीके से आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ग्राहक भी बहुत अच्छे से, मतलब ये सब है और सबको मतलब जरूरत भी है, 2 साल से सब बैठे थे, इस बार त्यौहार मनाने में सबको अच्छा लग रहा है, धूमधाम से त्यौहार, हाँ त्यौहार भी बहुत धूमधाम से मना रहे सब लोग। आने वाला समय दशहरा दिवाली काफी सारे त्यौहार हैं, हाँ जी, तो क्या लग रहा है आपको क्या आने वाले आगे भी ऐसे ही रहेगा, तो इसी तरीके से रहे तो अच्छा रहेगा, हर आदमी खुश रहेगा, त्यौहार मनाने में सबको अच्छा लगता है और कारोबार भी चलेगा, तो अभी पब्लिक का पैसा आएगा तो कारोबार भी करेगा और अपना धंधा भी, और उसके बाद में अपना त्यौहार भी मना लेगा। अगर मैं आपकी दुकान की बात करूँ, क्या क्या आप बेचते हैं? मैं टोटल देखो अपना डेकोरेशन का आइटम है, अपना ये अपना गणपति का मक्कर है, वेल है, सब गणपति का जितना भी आइटम है सब अपने पास मिलता है जी, सारी चीज़, हाँ जी हाँ। तो दामों में कोई फर्क पड़ा है पिछली बार के मुकाबले, जब लॉकडाउन नहीं था तब और अब में कुछ फर्क है? नहीं, पहले जो था वो तो अच्छा ही था, और अभी 2 साल के बाद में तो मतलब थोड़ा भी सुकून मिला है, मतलब धंधा करने भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, कारोबार भी थोड़ा मतलब पहले से 2 साल में जो डाउन चल रहा था बंद थे, अभी अच्छा चल रहा है अभी थोड़ा। कुछ दाम बढ़े हैं चीज़ों के? नहीं, चीज़ों के तो बहुत दाम बढ़ गए हैं, जो चीज़ मैं
100 रुपए में बेचता था, वही चीज़ मैं अभी 110 में खरीद के ला रहा हूँ। हाँ, मतलब बेचने से जो लोग 10 रुपये बढ़ा के मेरे को खरीद के लाना पड़ा, तो उसको 130 में बेचना ही पड़ेगा मुझे, 10-20 रुपये तो कमाना ही पड़ेगा। हाँ जी, थैंक यू। हाँ बोला ना सर, आपका नाम? जितेंद्र आनंद मात्रे। जितेंद्र सर, ये बताइए, 2 साल जो है त्यौहार काफ़ी कठिन गुजरे, कोई त्यौहार नहीं मनाया गया, इस बार कहीं ना कहीं छूट दी गई है, सर कैसा लग रहा है, मार्केट की क्या पोजीशन है? मार्केट बहुत अच्छा है एकदम, फर्स्ट क्लास एकदम, कि गिरक भी अच्छा निकले है, सब लोग गणपति का उत्सव अच्छा बना रहे। सर अगर मैं बात करूं इस तरीके से, मतलब 2 साल जो आने वाला समय भी अभी त्यौहारों का है, तो क्या आपकी उम्मीदें हैं कि आने वाला त्यौहार भी इसी तरीके से मनाएंगे? इसी तरीके से बनाएंगे जी। और ग्राहक इस तरीके से मतलब अच्छी संख्या में आ रहे हैं? अच्छी संख्या में आ रहे हैं। और सर मैं अगर बात करूँ आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें आप बेच रहे हैं? ये जो सब माला है जी, साइड में लगाने का, ये जो मकर बनाएला है जी, जो पूरा ऐसा घुमा के लगाने का है वो जी, दूसरा ये झुम्बर है ऐसा जी, वो भी लगाने का है, सब जितना भी है आर्टिफिशियल है, फूल वगैरह सब ये 200-250-300 वो भाव से बेच रहे हैं। सर अगर मैं बात करूँ दाम की, तो हमेशा के मुकाबले इस बार क्या दाम बढ़े हैं? नहीं नहीं, दाम बढ़े नहीं है, उतना ही है, खाली वो जो पब्लिक है वो हिसाब से बेच रहे, जो भाव करना चाहिए वैसा वो हिसाब से बेच रहे हैं, दाम तो उतना ही है, भाव नहीं बढ़ा है, भाव नहीं बढ़ा है। तो ग्राहक आ रहे हैं अच्छे से? ग्राहक अच्छा आ रहे हैं। थैंक यू सर। अमूल गावड़े। अमूल जी, ये बताइए क्या 2 साल से जो है त्यौहार जो है एकदम बंदी, अच्छा इस बार कहीं ना कहीं छूट दी गई है त्यौहार मनाने की? बहुत 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 रिस्पॉन्स अच्छा है, कस्टमर्स भी बहुत है और शॉपिंग भी बहुत अच्छी तरह चल रही है। पहले 1 महीने से स्टार्ट हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट एंडिंग के कुछ दिन बचे हैं, लेकिन पब्लिक उतनी की उतनी ही है, जितना महीने भर पहले का रिस्पांस है सेम रिस्पांस अभी भी है, अभी भी है। बहुत है। और भी त्यौहार आने वाले हैं, दशहरा है, तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट किसी तरीके से हरा भरा रहेगा? अगर कुछ दिक्कत नहीं हो गई तो सेम एज इट इज़ जैसे वैसे रहेगा, बट अगर कुछ हो गया प्रॉब्लम तो फिर बोल नहीं सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन डाल दिए तो फिर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज जैसे है वैसे ही रहेगा और इसके आगे की त्यौहार भी वैसे मनाते रहेंगे। एक कारोबारी की हैसियत से मुझे आपकी क्या प्रार्थनाएं रहेंगी कि कैसा रहे आने वाला साल? जैसे अभी जो चल रहा है बस वैसे होना चाहिए, जो पिछले 2 साल पहले जो हुआ है वो फिर से कभी नहीं लौटना चाहिए, बस। कैसा लग रहा मार्केट में ग्राहकों की संख्या? बहुत 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 अच्छी है, खरीदारी बहुत अच्छी रही है, रिस्पॉन्स अच्छा है, लोग अच्छे मन से कर रहे हैं, सब कुछ पहले जैसे सब कुछ लग रहा है। अगर मैं बात करूँ आपकी दुकान की, हाँ, क्या कुछ चीज़ें आप बेचते हैं, क्या क्या है? मेरे पास सर पूरे घंटी, जो गणपति बप्पा के लिए जो लगते हैं, जैसे कंटी हो गए, हार हो गया, एवरीथिंग, सब कुछ जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, जो हार है वगैरह आर्टिफिशियल सब कुछ है, फेटा है, मुकुट है, जैसे मूषक है, ये सब गोल्ड प्लेटिंग वगैरह ऑल वे सब कुछ मिलेगा जी। अगर मैं बात करूँ कि महंगाई की, क्या पिछली बार जब लॉकडाउन के पहले दाम थे और अब के दाम में फ़र्क है? सर फ़र्क थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, जैसे देखा है तो 10-20% का फ़र्क आ चुका है हर एक चीज़ में, क्योंकि जो 2 साल या 1 साल पहले की भी जो बात थी ना, उससे भी अभी 10-20 रुपया हर एक चीज़ पर कुछ ना कुछ बढ़ा है, पड़ा है। मुझे एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप गणेश उत्सव है, गणेश चतुर्थी है, हाँ, गणेश भगवान से अगर मैं आपको कहूँ कि क्या प्रार्थना मांगेंगे, आप क्या मांगेंगे? प्रार्थना से यही करूँगा कि जैसे अभी जो अभी का माहौल जो चल रहा है ना, बस वही माहौल आगे बढ़ाते रहे, जो कोविड आ गया या बीच में और कुछ आ गए, बस वो नहीं चाहिए, जो देखा हो 2 साल में बहुत कुछ देख चुका है सब लोग ने, बस अभी जो चल रहा है बस वही आखिर तक होना चाहिए, बस शुक्रिया। मेरा नाम संकेत झरापकर। संकेत जी, ये बताइए कि 2 साल से जिस तरीके से पाबंदियाँ लगाई गई थी, त्यौहारों के ऊपर सख्तियाँ थी, इस बार कहीं ना कहीं ढील दी गई है सरकार की तरफ से, कैसा लग रहा है ग्राहकों को देखकर? गए 2 साल तो आपको बताने की गरज नहीं क्या हुई थी, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी तरह से कस्टमर्स निकले हैं बाहर, खास करके आज शनिवार है, रविवार है आज, तो कस्टमर्स क्योंकि हर एक के घर में गणपति तो आते ही हैं, तो जो कस्टमर्स है, जो उनके हमेशा की शॉप है, जिनको मालूम है यहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिलती है, तो आएंगे ही आएंगे। इस साल मैंने देखा है गए 2 साल से बहुत ही अच्छे कस्टमर्स हैं। सर मैं अगर बात करूँ जिस तरीके से अभी आने और भी आने वाले त्यौहार हैं, दीपावली है, और भी कई सारे त्यौहार हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले त्यौहार किस तरीके से मनाए जाए धूमधाम से? कैसे है सर कि जैसे गणपति ये हर एक के घर में होता है, तो गणपति त्यौहार अगर अच्छा चला
तो ऑब्वियसली दिवाली अच्छी ही जाएगी सबके पास। और जैसे डेट्स के ऊपर होता है कस्टमर, जैसे चालू फर्स्ट इसमें जब चालू तारीख में ये आती है कौन सा भी त्यौहार, कौन सा भी फेस्टिवल, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से जाता है। और इस साल दिवाली भी सबसे अच्छी ही जाएगी क्योंकि सबको बाहर आना है, शॉपिंग करना है, घूमना है, तो जब पाबंदी ही नहीं है तो सब खुलेआम आ रहे हैं, घूम रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं दादर में अभी मेरे शॉप में दीदी की, मैं अभी डेढ़ दो बजा है, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे कस्टमर्स हैं। सर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से महंगाई की, तो सर क्या महंगाई की मार जो है इस चीज़ों पर पड़ी है, स्वीट्स पर पड़ी है? देखिए सर, कैसा है कि कोरोना के कारण कोई महंगाई हमें तो नज़र नहीं आ रही है। हर साल जैसे 10-15% बढ़ता है तो वैसे वो बढ़ता ही जाएगा और लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें क्वालिटी चाहिए, आप अच्छे सामान दीजिए तो आप लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि कोरोना के कारण कोई महंगाई आई, 10-15% तो आते ही। संकेत जी, अगर मैं बात करूं कि आपके शॉप की, अगर मैं बात करूं क्या क्या चीज़ें आप बेचते हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? गणपति में ज़्यादा करके स्वीट्स, मतलब प्रसादी, मतलब बड़े अच्छे अच्छे अलग अलग प्रकार के मोदक, जैसे मावा का मोदक तो बहुत पहले से था, गए 5-6 साल से काजू कतली के मोदक आने लगे हैं, जिसमें किसमिस मोदक, स्ट्रॉबेरी मोदक है, बटर स्कॉच मोदक है, बहुत सारे वैरायटी है जो मैं नीचे डिस्प्ले किया हूँ वो भी देखिए। और चावल के मोदक बनते हैं, कड़क लड्डू के मोदक बनते हैं, बहुत ही स्वीट्स अलग अलग तरह के होते हैं। और महाराष्ट्रन मेरी शॉप कैसे महाराष्ट्रन सामान ज़्यादा मिलता है यहाँ, हाँ जो ट्रेडिशनल है वो यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। सर आने वाले जो त्यौहार है आपकी क्या प्रार्थनाएं रहेगी? गणेश उत्सव है, गणेश भगवान से आप क्या प्रार्थना? मैं हमेशा से यही प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी जो लोग है उनका सबसे अच्छी दुआएं अच्छी, उनकी प्रकृति अच्छी, तबीयत अच्छी रहे, सेहत अच्छी रहे और सब खुशहाल आनंद से भरा रहे सबके घर, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, सब हो, सब एकदम खुशहाल से रहे। थैंक यू। पिछले 2 साल कोरोना काल के जो गुजरे, तो महाराष्ट्र के अंदर खासकर कहा जाए मुंबई के अंदर, तो जो गणेश उत्सव जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था उसको जो है कहीं ना कहीं उस पर पाबंदी लाई गई थी सरकार की तरफ से, मगर अब की बार जो है ये सारी पाबंदियां हटा दी गई है। और हमने इसी संदर्भ में दुकानदारों से जानने की कोशिश की कि किस तरीके का व्यापार हो रहा है, ग्राहकों की किस तरीके से प्रतिक्रिया मिल रही है, तो सभी दुकानदार जो है इस बार के जो गणेश उत्सव में संतुष्ट नज़र आए। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले त्यौहार भी इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ में मनाए जाए, ताकि जनता के अंदर का जो भय है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो और त्यौहार जो है सही मायने में त्यौहारों का जो रंग है वो नज़र आए। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस मुंबई। प्रेस एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से सभी भारतवासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी प्रार्थना है कि आने वाला साल भी सभी के लिए मंगलमय हो।